जब मैं पहली बार जेल गया था तब मैं छात्र था। बाद में जेल के भीतर मैं गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई। हमने तो बस उसका जवाब दिया। कोई व्यक्ति जो भी बनता है उस पर उसके परिवेश का असर होता है। ये बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। लॉरेंस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के भीतर से ही अंजाम दिया है। 32 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, चोरी, डकैती और इरादतन हमले के कई आरोप हैं। ये मामले पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती से कहा था, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई फाजिलका जिले के अबोहर इलाके के रहने वाले हैं। ये जगह भारत के सीमावर्ती इलाके में आती है। ये पंजाब के पश्चिम की तरफ है। पंजाब के इस इलाके के पश्चिम में पाकिस्तान से सटी भारत की सीमा है, तो इसके दक्षिण में राजस्थान और हरियाणा काफी जमीनें हैं। लॉरेंस के एक और भाई हैं अनमोल बिश्नोई। उनकी मां सुनीता बिश्नोई ने एक बार सरपंच चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने इसके लिए पर्चा भी भरा था लेकिन बाद में चुनाव नहीं लड़ा। लॉरेंस का नाता मान लिया, बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, अपने परिवार वालों को कांधा दोगे। क्या बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सीधी धमकी दी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को? सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी, ये खूब जम करके वायरल हो रहा है इस वीडियो के साथ। हकीकत तो ये है कि सलमान खान की फैमिली ने अपील करी उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से कि सलमान खान से आप ना मिलें, सलमान खान की सेफ्टी का ख्याल रखें। सलमान खान काफ़ी ज़्यादा टूट से गए हैं उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी के निधन से। आपको अगर ये न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप की न्यूज़ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।